हेलो फ्रेंड्स, मिली ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। मैं हूँ मिली। आज मैं आपको धागा चलाने का बहुत ही सरल तरीका बताऊंगी, जिससे कि आप बहुत ही आसान तरीके से घर में धागा चलाना सीख सकें। ये हमारे पास ग्रीन कलर धागा है, ये मार्केट में बहुत ही आसान तरीके से मिल जाता है। ये 40 नंबर धागा है, ये थ्रेडिंग के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इससे हमारी स्किन पे कट वगैरह नहीं लगते हैं और ये थ्रेडिंग के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो ये धागा आपके पास होना चाहिए, जिससे कि आप धागा चलाना सीख सकें। और अगर आपके पास ये धागा नहीं है तो आप ये सिलाई वाला धागा भी ले सकती हैं, जिससे कि आप घर पे धागा चलाना सीख सकें। और आपको जब धागा चलाना आ जाए तो आप ये वाला धागा मार्केट से मंगवा लें, क्योंकि ये धागा थ्रेडिंग के लिए अच्छा रहता है। अब हम धागा चलाना शुरू करते हैं। धागा चलाने के लिए सबसे पहले धागा हम हमेशा अपने उल्टे हाथ में पकड़ेंगे। ये मैंने धागा उल्टे हाथ में पकड़ा है और अब हम धागे को खोलेंगे। ये इतना धागा हम पहले खोल लेंगे और इस धागे को हम अपने मुंह में दांतों के बीच दबा लेंगे। ये मैंने धागा दांतों के बीच दबा लिया है। अब हम थोड़ा और धागा खोलेंगे, इतना धागा और खोलेंगे और इस हाथ से धागे को अंगूठे से ऐसे पकड़ लेंगे। ये ऐसे, और ये 3 उंगलियां हमारी धागे के बीच रहेंगी। अब इसके हम 7 राउंड लेंगे, अपनी तरफ लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 हो गए राउंड। अब हम इस हाथ से ऐसे यहाँ पे अंगूठे से धागा पकड़ लेंगे और इस धागे में 2 उंगलियाँ अंगूठा रहेगा। ऐसे धागे को एकदम सीधा रखेंगे और जो मैंने मुंह में धागा दबाया है उससे हम खींचेंगे ऐसे, और ये उंगलियों से खोलेंगे धागा, फिर ऐसे खींचेंगे, फिर ये उंगलियों से धागे को फैलाएंगे और हम मुंह से धागा खींचेंगे। धागे को एकदम सीधा रखना है और ऐसे ही हम पहले बहुत धीमा धीमा धागा चलाएंगे। धागे को एकदम सीधा ही रखेंगे, ऐसे ऐसे रखना है और ये 2 उंगलियां अंगूठा बीच में रहेगा और इससे हम धागा खोलेंगे ऐसे, और जो मैंने मुंह में धागा दबाया है उससे खींचेंगे और यहाँ पे मैंने अंगूठे से ऐसे धागा पकड़ रखा है। इसी तरह हम धागा पहले जब शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे चलाएंगे और जब हमको धागा चलाना आ जाएगा तो धागे की थोड़ी स्पीड बढ़ा देनी है। इसी तरह अगर हम 3-4 दिन प्रैक्टिस करेंगे तो हमें धागा चलाना बहुत ही जल्दी ही आ जाएगा। अगर आप लोग ऐसे धागा चलाओगे तो आप लोगों को बहुत ही जल्दी धागा चलाना आ जाएगा और आप घर में ही धागा चलाना सीख जाओगी। धागे को एकदम सीधा रखना है और ऐसे ही चलाना है, उंगलियों से फैलाएंगे और मुंह से खींचेंगे। ये देखो ऐसे ही चलाना है, बहुत ही आसान है धागा चलाना, जिससे कि आप घर पे बहुत ही आसान तरीके से सीख सकती हैं। इसे आप 4-5 दिन में प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही जल्दी धागा चलाना आ जाएगा, बिल्कुल भी सरल है और बहुत ही जल्दी आप धागा चलाना सीख जाएंगे। अगर आप इस तरीके से धागा चलाना सीखेंगे तो बहुत ही जल्दी धागा चलाना सीख जाएंगे आप लोग। ऐसे हम धागा चलाएंगे और धागे को सीधा रखेंगे। जब आपको धागा चलाना आ जाए
तो आप किसी के पैरों पे या अपने खुद के पैरों पर ट्राई कर सकती हैं। अपने पैरों के बाल निकालिए पहले, उससे आपको जल्दी धागा चलाना आ जाएगा। या किसी के दूसरे के पैरों पर ट्राई करिए, या हाथ पे करिए, दूसरे के हाथ पे। आप यहाँ के बाल निकालिए हाथ के, यहाँ पे टाइट स्किन होती है, इससे कि आप शुरुआत में यहीं पे धागा चलाइए और हाथ पे कहीं धागा मत चलाइए शुरुआत में, क्योंकि यहाँ पे स्किन टाइट होती है, तो यहाँ पे आप धागा चलाना सीख सकती हैं, इससे कि आपको पता हो जाएगा कि आपका धागा सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। उसी हिसाब से आप प्रैक्टिस करिए, 3-4 दिन आप ऐसे ही प्रैक्टिस करिए, आपको बहुत ही जल्दी धागा चलाना आ जाएगा और आप बहुत ही जल्दी थ्रेडिंग करना सीख जाएंगी। ऐसे ही चलाना है धागा। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिएगा। थैंक यू।